हमारे जितने भी खेत हैं हमने सब में फिलहाल की कंडीशन में डाला हुआ है हर्बिसाइड। और जिस खेत में हमने लगाया है 513 उसमें भाई साहब हम डाल रहे हैं 052। उसके साथ में हम डाल रहे हैं एजॉक्सिस्ट्रोबिन, टेरिकोनाजोल फफूंद नाशक के रूप में। और एक और प्रोडक्ट रखा हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट है वो? एमामेक्टिन बेंजोइक। और अपन भाई साहब यहाँ पेड़ों के बीच से होते हुए अपन जा रहे हैं 49 दिन वाले 322 गेहूं में, जो कि पटेल साहब का चैलेंज वाला गेहूं है ये। और इसकी बुआई जो थी वो 80 किलो एकड़ वाली थी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये गेहूं इस तरह से लोट पोट है। ये इसका रीज़न है भाई साहब, ये पेड़, ये कई बार मैं वीडियो में बता चुका हूँ। और वहाँ पर छींचना चालू कर दिया है, जो कि हमने आपको बताई है कि हम क्या क्या डाल रहे हैं इसमें। तो फिलहाल में गेहूं की कंडीशन 49 दिन में ये है। इसमें पहले क्या डाला था वो बता चुका हूँ और अभी फिर बता देता हूँ। राहुल भाई भी जा रहे हैं खेत में। इसमें भाई साहब जो अपनी बुआई हुई थी ना, उसके 15 दिन बाद अपन ने, या कितने दिन बाद वो तो भूल गया हूँ, अपन ने इसमें डाल चुके थे जिंक और 19-19-19, क्योंकि यहाँ पे पानी भरा जाता है बरसात का इसलिए। और उसके बाद में यूरिया डाला, एक पानी लगाया और बुआई के बाद में पानी गिर गया था, उसके बाद फिर पानी गिर गया। ये देखो आप इस तरह से ये गेहूँ लोट पोट है, इतनी जगह का कुछ ज़्यादा ही है। वहाँ पे यहाँ राहुल वो एरिया में अच्छा है, फुहार चल रही है। अब हम इस प्लाट के बाद में चलेंगे हमारे 513 गेहूँ के प्लाट में। तो भाई साहब ये आ गए अपन अपने 513 वाले प्लाट में, जो कि 90 किलो एकड़ बोई गई है ना। और ये भी ये ऐसी कहीं कहीं ये पत्ते इसके भी चिपके हुए हैं, क्योंकि ओस है जो कोहरा वगैरह बहुत ज़्यादा अधिक ही गिर रहा है। तो इसमें भी अपन ये डाल रहे हैं 052-34। इसमें अपन ने हर्बिसाइड नहीं डाली थी। और इस तरह से देखो कहीं कहीं पे पाइप वगैरह पड़े हैं, तो इस तरह से मतलब छूटी हुई जगह भी है। तो 90 किलो एकड़ के हिसाब से ये जो है ये एरिया बहुत बढ़िया मेरे हिसाब से भराया हुआ है। और इसमें जो अपन कूचे अगर देखें, देखो पेड़ ये चलने के कारण, उतरने के कारण ये आड़े हो गए, ये पत्ते ख़राब हो गए, नीचे चिपक गए। तो ये कोई जानवर आनवर ने या आदमी हमने नहीं हाथ पांव रखे हैं इसमें। कूचे तो भैया मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि 90 किलो से भी कम बोना था। ये देखो सब बढ़िया है। कूचे ऊंचे क्या कहना है, वो तो अपन एवरेज जब लगेगा ना चलेगा तभी देखेंगे। ये देखो ये पुरानी पत्तियां, एक भैया बोल रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप के कि हमारी पुरानी पत्ती पीली हो रही है। जी हमारी भी पुरानी पत्ती पीली हो रही, जो नीचे की पत्ती रहती ना पुरानी पीली होती है यूरिया की कमी के कारण, अधिक बरसात के कारण। नहीं है ये झंडा पत्ते वाले पत्ते हैं जिनकी गबोट पहले आ गई ना, वो बिल्कुल मिक्सचर नहीं है जे गेहूँ। और ये भैया ये इल्लियों ने बहुत नुकसान किया है इस वाले क्षेत्र में। आप जहाँ देखेंगे भैंसी इल्ली के खाए हुए हैं, और ये कहीं कहीं गबोट पे है, डंडी पे है ये। इसलिए इसमें हम 052-34 डाल रहे हैं, साथ में एमामेक्टिन डाल रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये संघन बहुत ज़्यादा है यार, ये नीचे की 90 किलो में भी संघन हो गई, अब क्या कर दें वहाँ पर। और बस यही प्लाट में है ये, एक एकड़ कुछ डिसमिल 2 एकड़ के लगभग में। और ये इधर सामने इस वाले प्लाट में है ये, अब तो पूरी 322 ही 322 है। ये 322 दिखा देता हूँ मैं आपको, कांटे पड़े हैं नीचे ये देखो, ये भी हल्की हल्की सी उस पर ही है अपने, क्या बोलते हैं जी, गिर रहे हैं ना, इसलिए ये राहुल तेरे को कहीं कहीं के ऊंचे दिख रहे हैं। उसमें भी जो गिर गए ना ये पत्ते, जो जितने भी गिरे हैं, हालांकि ये इसी के बराबरी के ही हैं जी। और ये इल्ली ने इसमें भी खाया है,
हाँ, और अपन ने चारे मार दवाई डाली है तो वो सब ऐसा आड़ा पूरा खुंदन खुंदन सा दिख रहा है वो, उसके कारण, नली के कारण। बाकी है ये भी अच्छा, मगर ये 322 जितने इसके बड़े पत्ते नहीं है, वो 513 बराबर बड़े पत्ते नहीं है इसके, और 513 बराबर इसके कूचे भी नहीं है। ये 1 क्विंटल से ऊपर की बोनी है ये, यहाँ भी देख लो आप ये, और वो 90 किलो की बोनी है, लगभग 20 किलो 25 किलो वो एकड़ पे कम बुआई है 513। तो यही है, देखेंगे एवरेज सबका कैसा क्या आता है। तो ये जो अपना 513 वाला प्लाट है ना, इसमें अपन ने जिंक और साथ में उसका 1919 का स्प्रे नहीं किया था अपन ने, तो जब इसमें 1 महीने के बाद खाद डाला था हमने, हमारे सभी गेहूं में लगभग 1 महीने के बाद ही खाद डाला है। 1 महीने के बाद जब खाद डाले, देखो यार कितना लोर मार रहा है, और लोर मारने के बाद में आप देखो ये इसके ये कूचे हैं, और जो पुराने पत्ते हैं वो पूरे पीले हैं गेहूं के, ये पुरानी सारी पत्तियां पीली हैं, नई वाली अच्छी आ रही है। ये ओस और जो पानी वगैरह गिरा ना, इस कारण से हुआ ये सब नाटक, और ये इल्ली ने कुछ अत्यधिक ही नुकसान कर दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये सब ये इल्ली की देन है ये बाकी ठीक है। और ये रोड के बगल में है तो ये जानवर वगैरह हिड़ जाते हैं, हिरन वगैरह दौड़ती है, कुछ ज़्यादा यही नुकसान है। अब हम भाई साहब देखते हैं इससे पहले की, जब पानी दे रहे थे ना तब की, इसकी कंडीशन गेहूं की कैसी है। तो भाई साहब ये 513 GW का पूरा 36 दिन हो चुके हैं इसको, और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया में बहुत बिल्ला गेहूं था, वहाँ पर संगन था, जहाँ आप पीला चंद का देख रहे हैं, ये वो लीम का पेड़ लगा हुआ है जिस प्लाट में अपन ने 513 बोया है, 90 किलो एकड़ के हिसाब से पानी दिए हुए अभी सिर्फ और सिर्फ 4 दिन हुए हैं पानी दिए हुए, मतलब कि गेहूं उगने के बाद में पानी गिरा था, उसके बाद में हमने 28 दिन तक पानी नहीं दिया, 28-29 दिन तक, और लगभग 2-3 दिन में इस खेत में पानी हो पाया है। और यहाँ मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पाइप पटक के ये चंद का पूरा किया था, इतनी जगह में चंद का रह गया था वो। इस प्लाट में मैं आपको दिखाऊं तो ये कहीं कहीं फिलिंग गैप फिलिंग नहीं हुई है, ये बिल्ला था, इसलिए हम आगे भी चलेंगे। और फिलहाल में मैं आपको 513 के कल्ले दिखा दूँ, ये देखो सबसे छोटा और सबसे कमज़ोर पेड़ ही हमने पकड़ा है, तो ये 513 के एक गेहूं के कल्ले भाई साहब पत्ते 322 के मुकाबले इसके बड़े हैं, और जो हरापन कहना चाहिए वो भी कुछ अच्छा है। तो ये हमारा, तो भाई साहब इसमें ये देखो, अब मैं उधर से इधर आ गया हूँ, ये लीम के पेड़ के इधर आ गया हूँ, गौतम भाई घूम रहे हैं। इसमें देखो यहाँ थोड़े से अपन अलग प्लाट में आ गए हैं, मगर कल्ले मेरे को 322 से भाई साहब बेहतर लग रहे हैं। देखो गेप इसमें भी है, ये देखो कहीं भी देख लो आप, तो किसी भी जगह पर देख लो पत्ते बड़े हैं इसमें भाई साहब। 28 दिन के बाद जब पानी लगा रहे थे हम, तो हमने इसमें डाला, आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिंक सल्फर और यूरिया 3 बोरी एकड़ के हिसाब से इमीडा क्लोरोपिड मिलाया हुआ था, उसके बाद अभी तक कुछ नहीं दिया है, सेम ट्रीटमेंट है। 322 में जो कर रहे हैं वो इसमें कर रहे हैं, कुछ हटके करना ही नहीं है हमको, हटके इसलिए नहीं करना है कि फिर पता कैसे चलेगा कि ये 322 से इसकी यील्ड अच्छी है या नहीं। तो फिलहाल मैं 513 आपको दिखाई दिया है, कंडीशनरा की बता दी है इस कंडीशन में है, तो ये छोटा सा एक वीडियो बनाया है मैंने 36 दिन पे 513 का, इसी में मैं वीडियो और जोड़ के आपको फिर से आगे दिखाऊंगा।